वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज मेरा कुछ खाने के लिए मन हो रहा था, तो जैसे कि मेरा मन हो रहा था कुछ तीखा और चटपटा खाने के लिए, है ना। बराबर। तो मैंने बोली क्या बनाऊ, तो मुझे खीमा पसंद है, तो मैंने आज लेके आई खीमा। आसिफ को बोली जा बेटा खीमा लेके आ जा। आजा खीमा में लेके। आज आसिफ फर्स्ट टाइम गया था खीमा लाने के लिए, है ना। हाँ। तो खीमा लेके आने के बाद मैं सोची अभी मैं कैसा इसे बनाऊ, जी चटपटा बने। तो मैंने अपने अंदाज से और अपने तरीके से इसमें कुछ मसाले डाली हूँ, है ना। और वो मसाले डालकर मैं इसे बना रही हूँ ना। बराबर। तो आप लोग देखना अभी इस खीमे को मैं क्या क्या नाम दूँ। तो मैंने इसमें थोड़ी हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी हूँ, और थोड़ा सा और बाकी पाउडर मसाले थोड़े अदरक लहसुन पेस्ट ऐसा तो कुछ डाल के कुछ अलग तरीके से मैंने खीमा बनाई। तो अभी इसे मैं नाम दे रही हूँ अपना अफरोज के स्टाइल में चटपटा खीमा, है बराबर ना? है ना। अभी मुँह में पानी आ रहा है। और बस गर्मा गर्म रोटी बनाई हूँ और स्टीम राइस बनाई हूँ और खाने वाली हूँ मैं इसके साथ में। तो अभी यहाँ पर तो खीमा बनकर रेडी हो चुका है। वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा कि खीमा कैसे बनाए, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए चटपटा सा खीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ, उसके ऊपर रखी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूंगी कम से कम 5 से 6 चम्मच तेल। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा चटपटा और मज़ेदार खीमा खाना था। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच शाह जीरा, और ये फूल और बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली इलायची और हरी इलायची और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, है ना। अभी इसके अंदर डाल दूंगी जो थोड़ा सा लाल हो जाएगा वो। तो उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी 4 मीडियम साइज़ की प्याज, है ना। तो प्याज को हमें बारीक बारीक सा कटिंग कर लेना, अपनी मर्जी के हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं। प्याज को क्या करना है, सिर्फ हल्का सा नरम करना है, प्याज का कलर नहीं चेंज करना है। आज मुझे थोड़ा काम भी था तो मैं बोली चलो ये बना देती हूँ, और मेरा दिल हो रहा था खाने के लिए, और मैं थोड़ा वेट लॉस भी कर रही हूँ, है ना सिर्फ, है ना। तो जैसे कि मेरा चालू ही रहता है, कभी वेट लॉस, कभी वेट बढ़ गया, कभी वेट लॉस, ये सब मैं खेलती रहती हूँ, है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर मैंने ली हूँ बकरे का खीमा, है। तो खीमा मैंने कम से कम ली हूँ 1 किलो। मैंने इसे अच्छी तरह से धो ली थी और छन्नी की मदद से सारा इसका पानी निकाल चुकी हूँ। तब तो अशरफ बाइक लेके आ गया, अभी करीब आ जाएगा, है ना। तो अशरफ को मना थोड़ी देर रुकने के लिए। अभी खीमा डालने के बाद क्या करेंगे, हम गैस को मीडियम पे ही रखेंगे, एकदम हाई पे भी नहीं और एकदम लो पे भी नहीं, मीडियम पे रख के खीमे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ना। अब मेरा वीडियो कैसा रहता है ना, थोड़ा फास्ट रहता है ना आसिफ। तो चलिए खीमा जैसे मिक्स होगा इसमें अभी मैं कुछ मसाले डालूंगी, और खीमा इतना बेहतरीन बना था और इतना चटपटा बना था जैसा बना मुझे खाने के लिए चाहिए था, वैसा ही सेम टू सेम मैंने खीमा बनाई थी। अशरफ थोड़ी देर रुक जा, आवाज दे दे वीडियो में। हाँ तो चलिए अभी मैं इसे मिक्स कर दी। मिक्स करने का तो चम्मच में जो थोड़ा बहुत खीमा लगा था या मसाला लगा था उसे मैं निकाल दी। अभी इसके अंदर डालूंगी मैं 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर आधे चम्मच से भी कम डालेंगे हम, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, बराबर आसिफ, बराबर एकदम बराबर। तो चलिए अभी इसमें हमें क्या डालना है देख लेते हैं। तो कुछ नहीं डालना लगता, थोड़ा सा दही, दही हाँ दही डालूंगी। तो ये मैंने मंगाई थी 10 रुपये का दही, है ना। दही अभी जमा रही नहीं हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा बाहर आने जाने में बिजी हूँ, है ना। तो अभी आप लोगों को हमारे हल्दी का और शादी का सारा ब्लॉग वगैरह देखने के लिए मेरे अफरोज किचन पे अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे आपको देखने मिलेगा। तो चलिए इसमें मैंने डाल दी 1/2 वाटी दही। 1/2 वाटी दही को क्या कि मैंने अच्छी तरह से फेंक ली। अभी ये मैंने ली थी हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची मैंने ली हूँ 10 से 15 हरी मिर्ची ली हूँ, और उसे मैंने दरदरा सा पीस ली हूँ। हरी मिर्ची जो है वो अपने आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो कम डालिए, है ना। हम लोग मुझे थोड़ा तीखा खाना था इसलिए मैंने चटपटा खीमे के हिसाब से इसमें थोड़ी ज्यादा हरी मिर्ची डाल के बनाई थी। तो चलिए तीखा बना था, और अगर इसके साथ में अगर थोड़ी सी फिक्की वाली दाल होती थी ना और स्टीम राइस, वाह 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 क्या कहने, बहुत अच्छा लगता था। चलिए अभी थोड़े से वाटी में दही लगा था उसे भी खंगाल लिया, और थोड़ा सा ये मिर्ची मिर्ची में जो थोड़ा इधर उधर वाटी में लगा था वो सब खंगाल के मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया ना, माशाल्लाह मेरा चेहरा भी अच्छा ग्लो कर रहा है। ये खीमा बनाने के बाद ही हम फेशियल के लिए गए थे ना। हाँ अभी ये खीमा बनाने के बाद मैं जाऊँगी फेशियल के लिए, और मैं
फेशियल का मेरा जो ट्रीटमेंट है वो देखना है तो आपको मेरे अफसोस रेसिपी ब्लॉग पे देखने मिल जाएगा। बराबर। तो चलिए इस पे मैं सिर्फ रेसिपी शूट करती हूँ। अभी खीमा वगैरह सब डालने के बाद, मसाले डालने के बाद मैंने इसे क्या करी, अच्छे से मिक्स करी और कम से कम 20 से 25 मिनट तक का खीमे को गला ली और मसाला भी अच्छी तरह से भून के ले ली। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा गैस को मीडियम पे रखी थी और बीच बीच में 2 से 3 बार चम्मच भी मारी थी। अभी यहाँ पर मस्त एकदम खीमे का पानी पूरा सूख चुका है और खीमा भी गल चुका है। कम से कम मुझे आधे घंटे से भी ज्यादा लगा खीमा गलाने के लिए, क्योंकि बकरे का था। अगर आपको कुकर में गलाना है तो कुकर में सेम डाल के मसाला हल्का सा भून लीजिए और सीटी लगाइए और 3 सीटी लीजिए, है ना। अभी इसके अंदर डाल लूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, एकदम रफली बारीक कटिंग करके एक मुट्ठी आप ले लीजिए ना। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, बस गैस को बंद करना है। अगर आपको इसको पाव के साथ खाना है तो पाव के साथ खाइए, रोटी के साथ खाना है तो रोटी के साथ खाइए, हाँ, या नहीं तो आपको इसे सिर्फ चावल के साथ में खाना है तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं ना। चावल और खीमा भी अच्छा लगता है। चावल और खीमा सिर्फ खा के देखिए। हल्का सा मैं इसमें पानी डाल लूंगी और इसे मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट पकाऊंगी और गैस को कर दूंगी बंद। तो यहाँ पर हमारा चटपटा सा खीमा तैयार हुआ है। और ऐसा कभी कभी मेरा दिल हो जाता था तो अपनी मर्जी से मैं जो चाहे वैसा मसाले डालकर बना देती और बेहतरीन खाना भी बन जाता है। हाँ, और तेल भी एकदम अच्छे से, तरी भी छुट्टी, और इसमें मैंने कुछ भी ग्रीन होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं डाली, ये अपने आप ही ग्रीन खीमा बना है ना। तो इसी खाने का भी टाइम हो गया था तो खा लिए, कीमा भी पक गया था और खा के वैसी डन डना डन डन। फिर खा कर हम यहाँ से तैयार हुई, तैयार होने के बाद मैं निकली जाने के लिए। यहाँ पर मैं आम निकाल रही हूँ जो मैंने फ्रिज में रखी थी, तो मैं बोली चलो थोड़ा आम खा लेती हूँ। तो मैं जो भी खाती हूँ दोपहर में ही खाती हूँ ना। चलिए इधर पे मैंने खीमा सर्व करके आपको बता रही हूँ। साइड में मैंने थोड़ी सी कैरी ली हूँ, थोड़ा नमक और लाल मिर्ची डालकर थोड़ी खट्टी खट्टी, और साथ में लूंगी रोटी, है ना। प्याज नहीं ली है टाइम पे मैंने। तो माशाल्लाह ये देखिए खीमा कितना बेहतरीन दिख रहा है और मस्त तरी भी छुट्टी है। मैं तो चाहती हूँ एक बार इस खीमे को आप लोग ज़रूर बनाना और ज़रूर खाना, आप लोगों को पता चलेगा कितना बेहतरीन था। तो चलिए इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। चलिए मैं पहले खाकर आपको बताती हूँ कि खीमे में कितना टेस्ट है। ये देखिए तेल देखिए और तरी देखिए इसकी, इसे बोलते हैं तरी। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अभी स्किन मेरी ब्लैक नहीं दिखती है, जैसे पहले मेरी ब्लैक दिखती थी, अभी स्किन मेरी शाइन करती है और चमकती भी है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और मेरे हाथ देख रहे थे, हाँ, क्या कितने खूब, हाँ कितना अच्छा मैं खाना बनाती हूँ इसलिए देख रही थी ना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।